जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो डेलीगेशन है वो आयोग के अध्यक्ष साहब से भी उन्होंने मुलाकात की थी। वहाँ भी वही बात रिपीट हुई और कल अध्यक्ष साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जारी हुआ है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, वहाँ पर देखेगा। वहाँ पर भी उन्होंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, जी हाँ, लगभग 2000 पदों की बात की है। लेकिन अगर उम्र सीमा की बात कहें, जिसको लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि उम्र सीमा को लेकर क्या हो रहा है, तो अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि भाई साहब, उम्र सीमा को लेकर कोई भी उस अध्याचन में कोई भी बात नहीं कही गई है। इसी संबंध में राम कनवाल जी ने क्या कहा, चलिए उसको डिटेल में इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो इसी संबंध में राम कनवाल जी ने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। उन्होंने क्या कहा कि गृह सचिव शैलेश बगोली जी और आईपीएस अधिकारी एवं स्पेशल गृह सचिव आईपीएस रिद्धिम अग्रवाल जी से मुलाकात। क्यों? उम्र सीमा को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई वो एज को लेकर कुछ नहीं कर सकते। आज वो बहुत साल पहले, जब पिछली बार भी इसके बारे में आवाज़ उठी थी, तो यही अध्यक्ष साहब थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक लेटर शासन को लिखा था और एक लेटर कार्मिक विभाग को लिखा था कि एज आप बढ़ा दो। ठीक है, बहुत सारे वो फाइल अटकी रही, इधर से गई उधर गई, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन फाइनली अध्यक्ष साहब को ये कहना पड़ा कि भाई ये मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑलरेडी ये जो है 2000 पदों का अधियाचन पुलिस कांस्टेबल का पहुंच गया है। यहीं पर आप देख सकते हैं चयन आयोग को पहुंच गया, यही चीज़ जो है राम कनवाल भी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर इतने पद क्योंकि भर्ती आ रही है, तो वाकई में इसके बाद भर्ती आए ना आए कोई कह नहीं सकता। जिसे कि आपको पता है कि लगभग इतने, क्या इससे भी लगभग 3, 3.5 और 4 हज़ार के आसपास उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पद रिक्त चल रहे हैं। लेकिन पहले बात 1500 पदों की हो रही थी, अब अगर 2000 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि जो संभावना राम कनवाल जी जता रहे हैं, आई थिंक वो बिल्कुल भी सही है। जैसे कि पहले ही करीब 7-8 साल बाद भर्ती आई, उसके बाद 2 साल, आई थिंक 2 साल तो हो ही रहे होंगे, ऑलमोस्टली 1-1.5 साल तो इस भर्ती को आए हो गए होंगे। जहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ उन्होंने भी कहा, ऐसे में दोस्तों उम्र सीमा बढ़ने को लेकर आज हमारी एक टीम ने जो है सचिवालय जाकर गृह सचिव शैलेश बगोली जी और आईपीएस अधिकारी एवं स्पेशल सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल जी से भेंट की। इस दौरान हमें यह बताया गया कि शासन बैठक कर जल्द जो भी फैसला होगा वो उसको लेकर बात करेंगे और कल इसके बारे में और भी खबरें जो आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उनकी एक टीम जो गृह सचिव और कार्मिक विभाग के तमाम जो अध्यक्ष हैं, आईपीएस, उनसे मुलाकात की। और क्या वाकई में उम्र बढ़ती है, जैसे कि जो संभावना यहाँ पर राम कनवाल जी जता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अगर 2000 ये पद आ गए, मान लो सितंबर में बोल रहे हैं, तो आप अक्टूबर तक मान के चलो, ठीक है, तो स्वाभाविक से इनके फिजिकल होने, इतने सब कुछ होने, इनके ज्वाइनिंग होने में लगभग लगभग 2025 तो यूँ निकल जाएगा आपका। 2025 निकलेगा तो स्वाभाविक से बात है फिर अगली भर्ती आने में बहुत सारा समय लगने वाला है। अगर इस समय भी अगर एज नहीं बढ़ी तो फिर शायद ही उन अभ्यर्थियों को मौका ना मिले दोबारा कभी जो पुलिस कांस्टेबल बनने का इंतजार कर रहे थे। मेरे हिसाब से फिर भी लगभग 2 साल 25 साल तक मैक्सिमम देनी चाहिए जर्नल को, वहाँ की SC ST OBC, उसमें आप एक्सटेंशन कर सकते हैं उम्र के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।